हम नॉन वुमन नॉन वुमन टेक एग्जीबिशन में है और हम राजश्री फैब्रिक्स से मिस्टर अमित गुप्ता से बात कर रहे हैं अभी। सो अमित जी, आप बताइए आपकी कंपनी के बारे में कि आप क्या करते हैं, कभी शुरुआत की और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके विजन क्या है कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का। हम राजश्री फैब्रिक्स नॉर्मल फैब्रिक के निर्माता हैं। राजश्री फैब्रिक्स और विमल इंडस्ट्री के नाम से हमारा बाजार में नॉर्मल फैब्रिक आता है। हम भारत के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नॉर्मल फैब्रिक के निर्माता हैं। हमारी कैपेसिटी लगभग 80 टन पर डे, हर दिन हम 80 टन नॉर्मल फैब्रिक बनाते हैं। नॉर्मल फैब्रिक विभिन्न कार्यों में यूज होता है, जैसा कि आपको मालूम है, जैसे कि हमारी डेली यूज में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजली, पानी, हवा हमारी बेसिक नीड से हमको चाहिए, उसी तरह से हार्मोन भी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कुछ भी हम यूज करते हैं, अगर हम हाइजीन में आए, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड हैं, शू कवर हैं, फेस मास्क हैं, हेड कवर हैं, जितने भी बेसिक ये हैं, मेडिकल में आए अगर हम, बेडशीट्स हैं, कर्टन्स हैं, के गाउंस हैं, कैरी बैग हैं जो हमारे बन रहे हैं आज, फैंसी आइटम्स बीओबीपी के साथ लगता है, नॉन वन बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से नंबर ऑफ आइटम्स पर्स में ये लगता है, स्कूल बैग्स में ये लगता है, कैरी बैग जितने भी साइकिल बैग होते हैं वहाँ पर ये यूज होता है। और सबसे बड़ा ये, जैसे कि गल्फ कंट्रीज में भारत की तरफ से चावल का निर्यात होता है, ये सारी चावल की पैकिंग फैब्रिक में ही की जाती है। यूरोप में जितना भी मेटल रहता है, हमारे कई पश्चिमी देशों में प्लास्टिक बैग जो है उसका सब्स्टिट्यूट नॉन निकला है और भारत से भारी मात्रा में क्षेत्र में नॉन फैब्रिक निर्यात भी हो रहा है। अभी जैसे आप नॉन वुमन बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होता है जंगल है कि बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल फैब्रिक रहता है, आप किस टाइप? मैं तो पहली बात में ही आपकी सभी बात क्लियर कर चुका हूँ, नॉन वुमन में हाइजीनिक होता है। हाँ, एक होता है हमारा हाइजीनिक जो मैंने आपको सारा बता दिया है, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ अगर आप आएंगे। ये कुछ हमारे हाइजीन प्रोडक्ट हैं, जिस तरह से मास्क बनते हैं आप ही देखते हैं, ट्री प्लाई मास्क, कोविड के समय में जो पीपीई की आवश्यकता पड़ी थी उसको भी नॉन वन ने ही पूरा किया। आज की डेट में कैप्स बन रही हैं, आप देख सकते हैं, इसमें भी अंदर नॉन वन का यूज किया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए पहले बैनर और फ्लैक्स बनते थे, महंगे बनते थे, आज की डेट में ये भी नॉन फैब्रिक के ही बनने लगे हैं। अच्छा, जितना भी हमारा एक्सपोर्ट का मटेरियल रहता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैग देख सकते हैं यहाँ पर जो हम बना रहे हैं। मैं आपके पास में जैसे कि आप बैग वैसे ही है, तो अभी आपका क्या विजन है आगे? ये विजन तो हर एक को देखने का ही है, हमारा भी आगे बढ़ने का ही है। जब हमने शुरुआत की थी तो 10 टन पर डे के हिसाब से की थी, आज हमारी प्रोडक्शन 80 टन पर डे की है। हम चाहेंगे हम और आगे बढ़े, साथ ही साथ बैग्स का भी, आजकल बॉक्स बैग का प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है, डी कट का प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है, बैग भी हम बना रहे हैं, हैंडमेड बैग बहुत बना रहे हैं, हाथ से सिलाई कर कर ऑफ कर कर। देखिए, नॉन वन फ्यूचर नॉन वन का है भारतवर्ष, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उनको सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने देश को फ्री करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक देश से तभी फ्री होगा जितना नॉन वन का प्रचलन देश में बढ़ेगा। नॉन वन एक रेडी चल चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए सरकार के साथ हाथ से हाथ आगे बढ़ते चलते हुए निर्देशों का पालन करते हुए नॉन वन फैब्रिक की प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है और बाजार से उसका कम ध्यान मिला है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी बात को सुन रहे हैं, अगर आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई कम लागत के साथ आप निवेश कम करना चाह रहे हैं, कम निवेश के साथ आप कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप नॉन वन के बिजनेस में आइए। नॉन वन के बिजनेस में आप कम निवेश से
अधिक लाभ कमा सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज की आवश्यकता रहेगी, आपकी मेहनत। जितना मेहनत करोगे उतना आपको आउटपुट आएगा। इससे क्या होगा, एक तो नॉन वन इंडस्ट्री बढ़ेगी, दूसरा हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे देश में पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। हमारा विजन सिर्फ अपनी तरक्की नहीं करना है, देश की भी तरक्की करना है। देश बढ़ेगा तभी हम बढ़ेंगे। सभी युवाओं से भी अपील रहेगी कि कुछ ना कुछ व्यापार तो आप कीजिए, लेकिन नॉन वन में अगर आएंगे आप आगे तो आपको बढ़ने के ज्यादा चांस मिलेंगे। कितना कम निवेश, कोई 5 लाख से भी शुरू कर सकता है, 2 लाख से भी शुरू कर सकता है, 50,000 से भी ये काम किया जा सकता है, और मात्र 20,000 से भी ये कार्य शुरू किया जा सकता है। इसमें निवेश की कोई भी कम से कम निवेश में भी आप फायदा कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ, किसी दुकान पर बैग की आवश्यकता है, किसी हलवाई को बैग की आवश्यकता है, जो नॉन वन का कार्य कर रहा है, आप उससे बैग बनवाकर दूसरे को दीजिए। अगर उसका 20,000 का बनता है और आप आगे 25,000 का जाता है, आपके 20,000 की लागत में 25,000 का माल चला गया या 22,000 का माल चला गया, 20,500 का भी चला गया, तब भी आपको उसमें उत्पादकता में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ पार्टी बढ़ते रहेंगे, आपके पास 50 पार्टी ऐसा हो गई, 100 पार्टी ऐसी हो गई, तो आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए ये पूर्ण तथ्य नहीं है, पूर्ण तथ्य क्या है, आप मेहनत करेंगे, बाजार में आएंगे और उस कार्य को करेंगे तो आपको पूर्ण तथ्य मिलने शुरू होंगे। मेरी बात है वो उदाहरण के तौर पर, युवाओं से अपील है कि आइए कार्य कीजिए, महिलाएं भी इस कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। मेरे देश की बहनें अगर अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इस कार्य में भी आइए। स्टिच बैग हैं गल्फ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, यहाँ पर सभी को हमारे बैग की आवश्यकता है। वो लोग चाइना से ना लेकर भारत से लेना चाह रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ तरह की क्वालिटी वो चीज़ अब मिलनी शुरू हो गई है। तो आप आइए, जो जिस तरह की आपकी एजुकेशन है उसका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए और कार्य को भी आगे बढ़ाइए और अपनी इनकम को भी बढ़ाइए। और आपने बोला कि ये वन टाइम यूज बैग की जगह नॉन वोवन यूज कर रहे हैं, और नॉन वोवन उसमें भी पॉलिएस्टर तो आता ही है, तो कैसे आप रिप्लेस करना है? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वन टाइम बैग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, वो अपने नाम में ही प्रकाशित है कि ये सिंगल यूज है, इसको आप एक बार यूज कर सकते हो। नॉन वोवन फैब्रिक को आप 300 बार भी यूज कर सकते हो। पॉलिएस्टर तो है ना, वहां में 0% पॉलिएस्टर होता है, ये पॉलीप्रोपिलीन होता है, ये 100% पॉलीप्रोपिलीन होता है। जिस तरह से चट्टान से कोयला भी निकलता है और हीरा भी निकलता है, हम दोनों को आपस में मैच नहीं कर सकते, इस तरह से पॉलिएस्टर है। ये भी क्रूड ऑयल का बायोगैस मटेरियल है, लेकिन इसमें से हवा क्रॉस है, पानी इसमें से क्रॉस कर जाएगा। ओके, तो ये इसको ग्रीन प्रोडक्ट का नाम भी दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको ग्रीन प्रोडक्ट बोला गया है। बायोडिग्रेडेबल है ये? बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है ये, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बन सकता है। बायोडिग्रेडेबल जो होगा मैम, आपने यूज किया, जैसे आपने पानी के ग्लास में डाला किया, वो खत्म हो जाएगा। मल्टीपल यूज है ये, 300-400 बार यूज होने वाली चीज है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं ये भी हम कितनी बार डालते हैं, कितनी बार हमारा नॉन वोवन का कैरी बैग भी चल सकता है, और इसको आप धो भी सकते हो। मशीन के कवर आपके बनते हैं, फ्रिज के कवर आपके बनते हैं, एसी के कवर आपके बनते हैं, कूलर के आपके कवर बन रहे हैं, इस सभी में ये नॉन वोवन फैब्रिक का यूज हो रहा है। इसके मैंने आपको काफी यूज बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना, जिनकी लाइफ बहुत अधिक है, तो ये सिंगल यूज नहीं है। भारत सरकार के आदेशानुसार 60 GSM ग्राम स्क्वायर पर मीटर, एक मीटर बाय मीटर में जितना वजन होगा, 60 GSM के ऊपर का नॉन वोवन फैब्रिक भारत में चल सकता है, उससे आप बैग बना सकते हो। ओके, तो ये जो मतलब अगर इसका वेस्ट जाता है तो वेस्ट का ये लोग क्या करते हैं? वेस्ट तो जाता ही होगा, जाता है, इसकी रिसाइकल कंपनीज होती हैं, वो उसका यूज कर लेती हैं, लेकिन आपको मैं बार बार एक चीज कहना चाहूंगा कि इसका वेस्ट मास्क में नहीं आता है, बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी नहीं आती है। जब आप किसी चीज को 300-400 बार, आप अपनी शेल्फ में भी इसको बिछा सकते हो, अगर ये फट गया आपका बैग, शेल्फ के नीचे भी बिछा सकते हो इसको, बहुत इसका यूज कर सकते हो। जिस तरह से प्राचीन भारत से महिलाएं अपने बेड के नीचे कोई कपड़ा बिछाना है, शेल्फों में कोई कपड़ा बिछाना है,
तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी ये जो नॉन वोवन इंडस्ट्री है वो कितने करोड़ के मतलब मार्केट साइज क्या है इंडिया में? देखिए पूरे भारत का कहना बड़ा ही जटिल होगा। जटिल इसलिए हुआ कि अगर किसी चीज की इंडस्ट्री एक लिमिट है, अगर मान लेते हैं कि उसकी संख्या 50 है, उसकी संख्या 30 है, उसकी संख्या 20 है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें इतनी की टर्नओवर है या इतना वो आ रहा है। लेकिन भारत सरकार के सहयोग से ये जो नॉन वोवन है ये टेक्सटाइल में आता है। प्लास्टिक के लिए अलग अलग एचएसएन कोड होता है, नॉन वोवन जो है टेक्सटाइल में आता है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो नॉन वोवन भी टेक्सटाइल में आया, तो हमारे पास ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है कि जिससे हम बता सकें कि भारत में इतने करोड़ की नॉन वोवन की टर्नओवर है, क्योंकि ये टेक्सटाइल में आता है। लेकिन इससे लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर भी निकल रहे हैं डे बाई डे और इनकम भी अच्छी हो रही है। हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 28 समय भारत में नॉन वोवन प्रचलित है, यूपी नॉन वोवन प्रचलित है और सभी लोग इसको ले भी रहे हैं। आपकी कंपनी का कितना है? हमारी ग्रुप कंपनीज है, हमारी 5 कंपनीज और हैं, राजश्री ग्रुप कंपनीज है। सही आप बता दो, डे बाई डे मैंने आपको बताया कि अभी हमने एक नया प्लांट भी शुरू किया है, डे बाई डे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम सभी कंपनियों का जोड़ेंगे तो 400+ आए। तो आपका सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट है कि भारत के काफी देशों में हम माल को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैग भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कई एग्जीबिशन देशों में पार्टिसिपेट भी किया है, श्रीलंका में किया है, उसमें किया है, अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में किया है, कीनिया में किया है, काफी कंट्रीज में किया है और एक्सपोर्ट भी किया है, यूएस में एक्सपोर्ट किया है और गल्फ कंट्रीज में भी काफी एक्सपोर्ट किया है। आपके बिजनेस का मॉडल मतलब डोमेस्टिक ज्यादा है कि एक्सपोर्ट? सॉरी, बिजनेस आपका जो रेवेन्यू है 400 करोड़ में, कुछ बताना चाहेंगे कि आप जैसे राजश्री फैब्रिक अलग अलग कंपनी है तो लोग आपसे क्यों परचेज करें, आपका क्या स्पेशलिटी है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? इंग्लिश में कहावत है मैम, क्वालिटी नंबर वन आफ्टर व्हेन द प्राइस इज फॉरगॉटन। तो बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे। मैंने आपको बताया कि हमने एक प्लांट से शुरू किया था, आज हमारे 5 प्लांट हैं। बाजार से अच्छा रिस्पांस आया, लोगों की उम्मीदों पे हम खरे उतर पाए, तभी हम अपने प्लांटों की संख्या बढ़ा पाए। और ये आप सबका विश्वास ही है हमारे ऊपर, राजश्री फैब्रिक आपका आशीर्वाद है कि हम उसको बढ़ा पाए, लोगों को सर्विस देने के लिए, क्वालिटी देने के लिए। उस चीज के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और वो कर भी रहे हैं। उसी आशीर्वाद से हम कहेंगे जो यूज करता है इस फैब्रिक को वही बोल रहा है कि हमें राजश्री फैब्रिक चाहिए। ये नॉन वोवन तक का एक्सिबिशन का रिस्पांस कैसा रहा? मिला जुला रिस्पांस रहा है आपके साथ, कुछ बहुत बड़ा कम है लेकिन जेन्युइन कस्टमर है, अच्छा है। जितने लोग आए, नए लोग आ रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है, जुड़ना चाहिए, प्रोडक्ट को बढ़ना चाहिए, बढ़ती रहे, चलती का नाम। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।